एक्सरसाइज 9.3, 9.2 बाद में करना। लेक्चर कौन सा है बच्चे? लेक्चर 9 टेंथ होगा, टेंथ और एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, 18 का ध्रुव बोलेगा। यस सर। ध्रुव साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 91 होता है। साइन 91 होता है, तो 18 का कोई ऐसा मल्टीपल जिसकी वैल्यू नोन हो? 90 हो गया ना, 18 5 90। यस सर। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू। अब हमारा एम है साइन 18 कॉस 18, इनकी वैल्यू निकाल। ठीक है, यस सर। अच्छा, 18 को हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 18, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, 5x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। 5x को हम लिख सकते हैं 2x plus 3x is equals to 90। Yes sir। 2x is equals to लिख दिया 90 minus 3x, कोई डाउट? No sir। अब यहां से हम निकालेंगे sin x, sin x का मतलब क्या हो गया? sin 80, यही हुआ ना मतलब? Yes sir। आप दोनों तरफ sin ले लिया, sin 2x is equals to sin 90 minus 3x कितना हो गया? साइन 2x की वैल्यू होती है सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो इसको लिख दिया 2 साइन x कॉस x जैसे आपने बोला, और कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, कोई दिक्कत? नो सर। क्या कट जाएगा सर? 4 से 2 2 पे कट जाएगा बच्चे, कॉस x नहीं कटेगा कॉमन आके। यस सर। ये आ गया 4 cos square x माइनस 3, सही है? यस सर, क्लियर। cos square x को लिखता है 1 माइनस sin square x। यस सर, सही है? यस सर। 4 माइनस 4 sin square x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin x, सही है? यस सर। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, 4 माइनस 3 इज माइनस 1 आ गया यहाँ पे, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? यस सर, है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, कोई दिक्कत? नो सर। बी की वैल्यू क्या हो गई सर? बी हो गया सर 2 माइनस 2 हो गया यहाँ पे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, दिक्कत है कोई? नो सर, क्लियर। यानी साइन एक्स की वैल्यू हो गई आपकी, दो वैल्यूज हो गई, माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4 या साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4, विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट कोई बता सकते हो? ध्रुव सर मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो करेक्ट है। और सेकंड वाली क्यों इनकरेक्ट है? सर क्योंकि हमारा क्योंकि सर जो हमारा साइन जीरो। हाँ बोलो, नहीं दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। ये सर, सर जो हमारा साइन जीरो होता है सर वो जीरो जीरो के इक्वल होता है, और जो हमारी सेकंड वाली वैल्यू है वो जीरो से भी नीचे जा रही है, पर ये जो हमारा साइन 18 है ये जीरो से ऊपर है, तो हमारी वैल्यू भी ऊपर ही आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव होता है। हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये बात समझ आ गई? तो दिस वैल्यू शुड बी रिजेक्ट। यस सर। सही है, तो साइन 18 कितना आ गया सर? रूट 5 माइनस 1 बाय 4। अच्छा, अब अगर कॉस 18 निकालना है तो कैसे निकालूं?
सर सेम फॉर्मूले से निकल जाएगा। cos 18 1 minus sin square 18 होता है रूट के अंदर। यस सर सही सही है। यस सर वैल्यू निकाल लोगे यस सर। क्या आएगी वैल्यू एक बार कर लेते सर ये जो हमने sin x की वैल्यू निकाली है इसका स्क्वायर कर देंगे ना। 1 minus, हाँ, root 5 minus 1 by 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस सर नो सर। cos 18 कितना आ गया हमारा 16 minus 5 plus 1 minus 2 root 5 by 16 सही है। यस सर। तो ये हो गया cos 18 की वैल्यू हो गई आपकी रूट के अंदर 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4 रूट से बाहर। ठीक है 10 माइनस 2 रूट 5 सही है कि नहीं? यस सर। चलो साइन 18 और cos 18 समझ आ गए? यस और नो? यस सर। साइन 18 समझ आ गया cos 18 समझ आ गया। किसी बच्चे को भी डाउट हो बोलो। किसी बच्चे को डाउट हो साइन 18 cos 18 में? कनिष्ठ डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो वेदांत बच्चे डाउट तो नहीं है? सर आपने cos 3x को कैसे खोला है? cos 3x कौन सा? मैंने cos 3x अच्छा सॉरी मैंने cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बताया था यहाँ पे और किसी ने बोला भी नहीं। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos cube x minus 3 cos x। अभी याद रख लेना बच्चे। यस सर। ठीक है मैंने बताया नहीं था और किसी बच्चे ने पूछा भी नहीं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube x minus 3 cos x। दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। अभी पीछे वाली एक्सरसाइज में होना था मैंने इसे थर्ड एक्सरसाइज करा दी थी तो पहले आ गया। ठीक है इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है अब मेरे पास दो आंसर्स आ गए। अब एक तो हो गया साइन 18। साइन 18 कितना हो गया जल्दी बताओ? रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। कॉस 18 कितना हो गया? कॉस 18 कितना हो गया रूट के अंदर 10 माइनस टू रूट फाइव अपॉन में बाय। ठीक है यस सर। अब मेरे को निकालना है साइन 36। साइन 36 व्हाट इज साइन 36 सर? 18 इनटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है 2 sin 18 cos 18 आ गया। यस सर। ठीक है ये बात समझ आ गई? यस सर। निकाल सकते हो कि नहीं? sin 36 की वैल्यू आएगी आपकी 10 plus 2 root 5 by 4। चेक कर लेना। ठीक है ओके सॉल्व करके ये आएगी। आप cos 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। ठीक है cos 36 इज इक्वल टू आएगा रूट 5 प्लस 1 बाय 4। ठीक है बच्चे मैंने cos 18 की वैल्यू सही निकाली है कि नहीं एक बार देख लो। cos 18 की वैल्यू यही थी ना 10 प्लस आएगा शायद मेरे साथ। प्लस आएगा सर। हाँ सर प्लस आएगा सर, और यहाँ पे 4 आ जाएगी। हाँ ये माइनस आएगा सॉरी ये गलती। ठीक है ये वैल्यू याद करनी है cos 36 की वैल्यू याद रहनी चाहिए। सही है अब बताओ sin 54 कैसे निकालेंगे? cos 54 कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? sin 54 को लिखते हैं sin 54 को cos 36 लिखते हैं। cos 36 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सही है cos 54 को क्या लिखते हैं? cos 90 minus 36 क्या होगा? साइन 36 ये भी निकाल चुके। सही है ऐसी अगर साइन 72 निकालना है तो इसको लिखते हैं cos 18 ये भी निकल चुका। साइन cos सर ये जो आपने रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 वाली निकाली है सर ये साइन 36 है cos लिखा आपने बच्चे। अच्छा साइन मैंने हाँ सॉरी सर मैंने क्या लिखना था साइन 36। ठीक है थैंक यू बच्चे। बच्चे अब ये बताओ किसी को डाउट है वैल्यूज याद करने में? डाउट है कोई? नो सर। वैल्यूज समझ आ गई है निधि? यस सर समझ आ गए हैं। आ गया अमन?
हर्षल, हर्षित, यस सर आ गया, यस सर आ गया। चलो अब हर्षल बोलेगा। यस सर। ठीक है हर्षल बोलेगा। हर्षल इतनी बात तो समझ आ गई है ना अभी तक जो बताया? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि आप कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो चीज आपने बताया। देखो क्वेश्चन आता है जैसे मैंने बोला मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 2π/5 माइनस साइन स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब 2π/5 मतलब कितना हो गया सर? 72। 72 वेरी गुड। साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? यस सर। रूट 3/2 तो 3/4। यस सर ये है सर। साइन 72 व्हाट इज साइन 72 सर? साइन मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 72। यस कॉस 18 की वैल्यू क्या होती है सर? कॉस 18 √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4। सॉल्व कर लोगे कि मेरे को बताने की जरूरत है? नो सर। हो जाएगा 2 √5 माइनस 2 upon 16। हाँ जो भी है सॉल्व कर लूंगा। कृष्ण बच्चे ये प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। ठीक है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 प्रूफ करना है √5 माइनस 1/8। सही है कृष्ण? यस सर। हाँ बता बताओ जल्दी कैसे प्रूफ करेंगे? सर ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए। ठीक है साइन 30 कितना होता है? 1/2। बात समझ आ गई? प्रूफ हो गया? यस सर। कोई डाउट है? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कनिष्क। यस सर। साइन स्क्वायर 42 माइनस साइन स्क्वायर अगर नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर 78। कॉस स्क्वायर 78 इज इक्वल टू प्रूव करना है √5 प्लस 1/8। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो क्या करें? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं cos square a minus sin square b का फॉर्मूला था। यस सर। क्या होता है सर? cos a plus b into cos a। cos a plus b कितना हो गया सर? 120 और सर cos a minus 30। ठीक है Yes, sir. Cost 30 से cost 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 plus 30 सर आ जाएगी माइनस। लेकिन क्वाड्रेंट में माइनस साइन 30 दैट इज माइनस हाफ। cost 36 की वैल्यू क्या होती है? √5 माइनस 1/4 होती है प्लस सर 1/4 होती है। ठीक है तो आंसर आ गया √5 प्लस 1/8। बात समझ आ गई? Yes, चलो नेक्स्ट बोलेगा उज्जवल गुप्ता। यस सर। उज्जवल तुम बोलो अगर क्वेश्चन आता है cos 78 cos 42 इंटू cos 36 इज इक्वल टू 1/8। उज्जवल इसमें से किसी की वैल्यू पता है सर? cos 36। cos 36 कितना होता है जल्दी बताओ? √5 प्लस 1/4। √5 प्लस 1/4। चलो आप cos 78 इनटू cos इसमें क्या करूं सर? 2 cos a cos b प्रॉपर्टी लगा दें। फॉर्मूला बोल। cos a plus b
प्लस कॉस ए माइनस बी। ये बात समझ आ गई? कॉस 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है? माइनस साइन 30। माइनस कॉस 60 प्लस माइनस साइन 30 माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, बस हाफ 4 आ गया, माइनस 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 प्लस 1 बाय 4। कोई डाउट? नो सर। रूट 5 माइनस 1 2 फोर 8 4 यहाँ पे एक और लिखा रहे हैं तो, और रूट 5 प्लस 2 सही है? यस सर। 4 बाय 4 तो 1 बाय 8 हो जाएगा। बात समझ आ गई है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। उज्जवल, दूसरा वाला उज्जवल। यस सर। कॉस 6 कॉस 42 कॉस 66 इंटू कॉस 78 सही है, इज इक्वल टू 1/16 प्रूफ करना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। किस किस को पेयर लू? बात समझ आ गई? क्यों लिया है था? क्यों लिया सर? क्योंकि 78 प्लस 42 120 हो जाएगा और माइनस करके 36 आ जाएगा। हाँ ठीक है, आप इसको कर दिया 1/4 2 cos 66 into cos 6 into 2 cos 78 into cos 42। Any doubt? No sir। 1/4 2 cos A cos B क्या होता है? cos A plus B plus cos A minus B। cos A plus A नहीं, सॉरी मैंने गलती लिखी, cos 72 आएगा ना पहले। Yes sir। cos 60 दूसरे में क्या आएगा? cos 120 plus cos 36। कोई डाउट? नो सर। cos 72 क्या होता है? sin 18। यस सर। cos 60 हाफ, cos 120 अभी तक निकाला था ये, बताओ समझ आ गया? यस सर। तो ये कितना हो गया? 1/4 रूट 5 माइनस 1 माइनस प्लस 2 अपॉन 4। यहाँ पे माइनस 4 आ गया, माइनस 2 प्लस रूट 5 प्लस 1। हाँ या ना? यस सर। और ये आ गया रूट 5 प्लस 1 और वहां पे क्या है? रूट 5 माइनस 1। ठीक है, 1/64 5 माइनस 1 कितना आ गया? 1/16 शायद। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बात? यस सर। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं। बोलेगी निधि, बोलेगी? यस सर। कॉस 5/15 कॉस 2π/15 कॉस 3π/15 कॉस 4π/15 cos 5π/15 और cos 30 is equals to 1/128। क्वेश्चन समझ आ गया निधि? यस सर। चलो निधि अब इसको ढंग से सुनना, थोड़ा सा आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो, ये और 7π/15 को लिखता हूँ cos बताओ माइनस कॉस 8π/15। ठीक है, ये चार टर्म्स बोले मैंने, 2π 4π और 7π, इसको ग्रुप कर। Yes, इसको लिख दिया cos 5/15 cos 2π/15 cos 4π/15 और cos
8 pi by 15 with negative sign. Negative sign बाहर लीजिए. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. अच्छा, अब इसको 3 pi by 15 और 6 pi by 15 को अलग लीजिए. Cos 3 pi by 15, cos 6 pi by 15. ठीक है? Yes, sir. बची कौन सी टर्म है? अच्छा, ये हो गया इसके लिए a हो गया आपका pi by 15 और n हो गया 4. कोई दिक्कत? नो सर. इसके लिए भी a हो गया 3 pi by 15 और n हो गया 2. Yes, सही है. फॉर्मूला लगा दिया हमने पहले वाले में. साइन 2 रेस टू 4 पाई बाय 15 अपॉन 2 रेस टू 4 साइन पाई बाय 15. साइन 2 रेस टू 2 3 पाई बाय 15 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर साइन 3 साइन 3 पाई बाय 15. मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है अभी तक. नो सर. ठीक है. अच्छा, ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, 128 हो गया. माइनस 1 बाय 128. यस सर. साइन 16 पाई बाय 15 अपॉन साइन पाई बाय 15. डाउट? नो सर. यहाँ पे साइन 2 स्क्वायर 4 3 है 12 पाई बाय 15 डिवाइड बाय साइन 3 पाई बाय 15. 3 पाई बाय 15. कोई दिक्कत? नो सर. साइन 16 पाई बाय 15 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 15 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं. तो क्या आएगा? साइन पाई प्लस पाई बाय 15 और नीचे क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 15. सही है? यस सर. और दूसरे वाले को लिखते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 15 अपॉन साइन 3 पाई बाय 15. सही है? यस सर. साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? सर, साइन पाई प्लस थीटा माइनस कॉस माइनस साइन थीटा. ये और ये नीचे वाला कट गया कि नहीं कट गया? यस सर. ये और ये कट जाएंगे और नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ये. और इसका साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है. ये और ये भी कट जाएगा. साइन थीटा. यस सर. आंसर आ जाएगा 1 बाय 128. एनी डाउट? नो सर. बात समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई है. चलो अब एक और चीज देख लेते हैं. वेदांत? यस सर. जितना बताया अभी तक समझ आया? यस सर. साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला नोट कर लो. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला नोट कर लो. 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. टैन 3 थीटा का नोट कर लो. 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए. नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए फॉर्मूले हैं ये तीनों. इसके लिए भी इम्पोर्टेंट दी थे वैसे. पॉइंट 2, कल हमारा 9 चैप्टर फिनिश हो जाएगा. टेस्ट कब बोला है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का? कल बोला था? यस सर. यस सर. कल नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा वो टेस्ट. ठीक है, क्योंकि 9 चैप्टर फिनिश करके देना. ठीक है, कल 9 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे. ठीक है सर. एक बार फर्स्ट स्लाइड्स दिखा दो. आज क्या हुआ? मैं 15-5 मिनट में प्रेजेंट नहीं था. बच्चे आप है ना, थोड़ा सा टाइम पे एंटर किया. ठीक है सर, वो थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही. कोई बात नहीं बच्चे. साइन 18 कॉस 18 की वैल्यू बताई थी और कुछ नहीं. कैसे निकालते हैं साइन 18 कॉस 18 वो चीज? एक सही है. तो एक हां, कोई बात, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सर. एक सेकंड. हां कोई बात नहीं, कोई बात. एक चीज ध्यान रखना, अभी जो चीजें चल रही हैं वो ए बी सी डी चल रही है. अभी जब कराऊंगा एंट्रेंस तब मजा आएगा करने में.
ठीक है। अभी तो ये वाला काम ऐसा है जो इलेवंथ वाला जिस बच्चे ने, जैसे ध्रुव वाला बच्चा कर रहा है, ये तो ऐसा है कि उस बच्चे ने अगर कर लिया तो दैट इज वेरी मच गुड फॉर हिम, बट जो इलेवंथ में है बच्चा उसने ये किया तो उससे ये मान के चलना उसने अपना 20% काम किए, 80% काम जो IIT एडवांस का है वो हम जैसी सिलेबस खत्म होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसके भी 70 से ऊपर आएंगे उसको हम डालेंगे एंट्रेंस वाले बैच, ठीक है। तो सारे के सारे मेहनत करते रहना, जब वो कराऊंगा तो बहुत मजा आएगा बच्चे, उसमें सोचने वाला पार्ट है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सच कुछ सोचने वाला पार्ट अभी नहीं बनता, आगे बनेगा जब सॉल्यूशन और ट्राइंगल्स करेंगे, एंट्रेंस करेंगे उसमें बनता। और क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में एंट्रेंस इतनी ज्यादा नहीं बनती, बट हाँ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बनती, बट हाँ उसके क्वेश्चंस कुछ हैं जो बहुत अच्छे बनते हैं, सही है। तो ट्राई करते रहो, ये सारी चीजें पढ़ते रहो, ठीक है, कर ले बच्चे। जैसी हमारी कोऑर्डिनेट खत्म होगी, इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि हमारा 1.25 महीना लगेगा, उसके बाद हमारा सिलेबस जुलाई है अगस्त या अगस्त के अगस्त मिड तक, अगस्त जुलाई के जुलाई चलेगा अगला महीना, अगस्त मिड तक पूरा सिलेबस बोर्ड का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कराएंगे एंट्रेंस। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी भी चलेगा शायद इस साल, करते रहना बच्चे। और जिसके भी स्कूल में एंट्रेंस चल रही है, जिसके भी स्कूल में एंट्रेंस चल रही है वो मेरे से नोट्स लेते रहना, ठीक है। चलो नवीन बच्चे बात समझ आ रही है? यस सर। चलो बच्चे पढ़ते रहना बस, ठीक है, थैंक यू बच्चे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं एंट्रेंस के बैच में? बच्चे जाएंगे, मैं चाहता हूँ जाएं, ठीक है, जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बच्चे। इस वाली चीजों में इतना मजा नहीं आएगा जितना उस वाली चीजों में मजा आएगा ना, कैलकुलेशन तेज होंगी, सारी चीजें बहुत मजा आएगा, उसमें सोचने वाला पार्ट है। इसमें सोचने वाला पार्ट इतना नहीं है जो 11th 12th की मैथ्स है, उसमें ऐसा है बोर्ड लेवल पे इतना सोचने वाला पार्ट नहीं जितना एंट्रेंस में, एंट्रेंस में मजा आता है, दिमाग खुलता है, ठीक है, सोचने वाला पार्ट इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा, उसके बाद आपको मजा आएगा मैथ्स में, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, थैंक यू सर।